हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने साटन का फैब्रिक लिया हुआ है जो है 1.5 मीटर। उसके साथ मैंने नेट का फैब्रिक लिया है जो है सिर्फ 1 मीटर, और बेस फैब्रिक मैंने लिया है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 8x4 में लिया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं ले रही हूँ 5.5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पे आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ 11 इंचेस, और यहाँ पे लेनी है हमें कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करके हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। नेक की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2.5 इंचेस, और लेंथ भी मैं लूँगी 2.5 इंचेस। और यहाँ पे हमें स्क्वायर में नेक ड्रॉ करना है फ्रंट के लिए, और बैक का नेक में रखूँगी राउंड शेप में। तो यहाँ पे हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है, हमें इसे कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब अंदर से हमें 2 पीसेस को निकाल देना है, जो होगा हमारा बैक का पार्ट। इस तरह से ये मैंने 2 पीस को निकाल लिया है, और ये है जो हमारा फ्रंट का पार्ट, उसे वापस हमें अच्छे से 2 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें नेक पार्ट को कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से नेक पार्ट को मैंने कट कर लिया है। तो ये है हमारा फ्रंट का पार्ट। इस तरह के हमारे पास 2 पीस है फ्रंट के लिए, और बैक के लिए भी हमारे पास 2 पीस है। तो बेस फैब्रिक में भी हम यही फैब्रिक यूज़ करेंगे। बॉटम के लिए फैब्रिक हमने 4x4 में लिया हुआ है, और यहाँ पे लेंथ मैंने ली है अप्रॉक्स 20 इंचेस, और ये 4x4 मैंने लिया है अप्रॉक्स 14 इंचेस जितना। अब जो टॉप का पार्ट था हमें उसे 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है, फोल्डेड एरिया से फोल्डेड एरिया मिलाते हुए। और ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है लेंथ तक। इस तरह से, और यहाँ पे नीचे की तरफ हमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो ये है हमारा बॉटम का पार्ट बेस फैब्रिक के लिए। अब देखिए, मैंने नेट का फैब्रिक लिया है, 2 रेक्टेंगल पीस मैंने कट कर लिए हैं नेट के फैब्रिक से, जिसकी लेंथ मैंने रखी है 22 इंचेस, और इसकी ब्रॉडनेस मैंने ली है अप्रॉक्स 14 इंचेस जितना। तो इस तरह की 2 पीस है। अब फ्रंट के लिए हम एक लेयर कट करेंगे हाई लो में। तो इस तरह से फैब्रिक को मैंने ट्राइंगल में 2x4 में लिया हुआ है, और जहाँ पे हमारी ब्रॉडनेस 15 इंचेस आती है वहाँ पे हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से ट्राइंगल में हमें इसे 2x4 में रखना है। उसके बाद जहाँ पे हमारी ब्रॉडनेस 15 इंचेस है यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। अब यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी है। तो यहाँ से इस तरफ से हमें लेंथ लेनी है 18 इंचेस, तो 18 पे हमें मार्क कर लेना है। यह हमारा हाईएस्ट पॉइंट, और इस तरफ हमें लोवेस्ट पॉइंट पे मार्क करना है 10 इंचेस। तो यहाँ से हम 10 इंचेस पे मार्क करेंगे, और इस पॉइंट को हमें उस पॉइंट से मिला देना है। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है नीचे की तरफ। तो देखिए, यहाँ से हम इस तरह से मैंने ड्रॉ किया हुआ है हल्का सा नीचे की तरफ राउंड शेप में, इसे हमें ड्रॉ कर लेना है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। देखिए, इस तरह का पार्ट हमने कट कर लिया है, जो सिर्फ हम फ्रंट पार्ट में यूज़ करेंगे पैटर्न करने के लिए।
अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर हमें बेस फैब्रिक को उल्टा रखना है, राइट के ऊपर रॉन्ग पार्ट रखना है, दोनों को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हम नेक पार्ट में सिलाई करेंगे और हमारे आर्म होल में हम सिलाई करेंगे। उसी तरह से मैंने बैक पार्ट को भी अरेंज किया हुआ है, नेक पार्ट आर्म होल में हम सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब जहाँ पे भी हमने सिलाई लगाई है यहाँ पे हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखिए आपकी सिलाई ना कटे। तो इस तरह से हमें हल्के हल्के नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाने के बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी टर्न कर लेना है। देखिए मैंने दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अब करेंगे हम शोल्डर फिटिंग। तो एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। देखिए शोल्डर फिटिंग हो चुकी है हमारी। अब देखिए इस तरह की स्ट्रिप मैंने ली हुई है जिससे हमें टू फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पर हम रखते हुए सिलाई लगा के यहाँ पर फिक्स करेंगे। उसके बाद हम हाई लो वाला जो पार्ट है हमारा उसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए ऊपर की तरफ, और नीचे की जो बॉर्डर है उसे हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो पूरी लेंथ में आपको डबल फोल्ड करना है। देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ हमने गैदरिंग बना दी है लूज स्टिच लगाने के बाद, और इसकी बॉर्डर भी मैंने फोल्ड कर ली है। अभी जो हमारा नेट का पार्ट है उसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें ऊपर की तरफ लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने लूज स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे एक धागे को हमें अलग करके खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग बनती जाए। तो पूरी लेंथ में हमें इस तरह से गैदरिंग तैयार करनी है। इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने गैदरिंग बना दी है। अब हम इसके साथ बेस फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो ये है हमारा बॉटम का बेस का फैब्रिक जिसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर हमें नेट के पार्ट को रखना है। यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। उसी तरह से बैक का पार्ट भी हमें तैयार करना है। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसके ऊपर हमारा जो हाई लो वाला पार्ट था उसे हमें रखना है। यहाँ पर भी दोनों को मिलाने के बाद सिलाई लगा के यहाँ पे हमें फिक्स कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। अब हम इसके साथ टॉप का पार्ट जॉइन करेंगे। तो इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा के दोनों को हम जॉइन करेंगे। और इस पार्ट के साथ हमें बैक का बॉटम जॉइन करना है। देखिए हमने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक पार्ट को भी जॉइन कर लिया है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करना है फिटिंग के लिए। तो इसे अच्छे से आप टर्न कर लीजिए। उसके बाद हमें सभी लेयर्स को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हम 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करेंगे। और इस तरफ से भी हमें सभी पार्ट्स को अच्छे से मिलाने के बाद 1 इंच के डिफरेंस पे हम सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करेंगे। देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली आप इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। उसी तरह से ये जो हमारा नेट का फैब्रिक है उसे भी आप बॉर्डर फोल्ड कर सकते हैं या फिर आप इसे पिको भी कर सकते हैं। तो मैंने बॉर्डर फोल्ड कर ली है और यहाँ पे मैंने इस तरह से फ्लावर लगा दिया है। आप कोई भी रेडीमेड फ्लावर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप कोई अलग कलर का फ्लावर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद से। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिक्स कर लिया है। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।